आज हम जिस गाने पे रिएक्शन वीडियो करने वाले हैं सच में बहुत ज्यादा क्रेजी ट्रैक होने वाला है, और ये क्रेजी क्यों होने वाला है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको खुद नहीं दूंगा, वो जब मैं इस गाने के ऊपर रिएक्ट करूंगा भाई तब आपको चीजें खुद पता लग जाएगी। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल गाने का नाम है भाई अपना सोलेस, ठीक है, एंड आर्टिस्ट का नाम है भाई मिर्जा इबाद यानी लिल बिजल जो उनका स्टेज नेम है। एंड भाई सोलेस की डेफिनेशन होती क्या है वो अगर आप लिंक में इस गाने को ऑफिशियल मतलब गाने का लिंक है तो जाके चेकआउट करना, उसके डिस्क्रिप्शन में भाई ने ब्रीफली एक्सप्लेन करा है सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेरे मुँह से ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। बट भाई गाना बहुत ज़्यादा सुपर सेक्सी होने वाला है, तो भाई आज हम करेंगे इस गाने पे रिएक्ट, और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो भाई सीधा अपना रिएक्शन वीडियो स्टार्ट कर देते हैं राइट नाउ। और हाँ भाई, हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो ट्रैक है ये बेसिकली एक ईपी का ट्रैक है जिस ईपी का नाम है पोइट्री ऑफ रिग्रेट्स, मतलब समझ रहे हो जो रिग्रेट्स होते हैं हमारे अंदर उसकी पोइट्री। क्रेजी क्रेजी ईपी नेम सच में। पुराने थे वो रहते अब बाकी कुछ बचे हैं मेरे फासले, अब दोष भी ढूंढे तो हम तो खुद ही खुद में जागते, खुद ही के परछाई से हम भागते। लिखा मैंने दर्द खा में शाम में और गम की दवा है मेरे जाम में, ये दवा करे हमको आसान मेरी कला ही कहेगी जो है कहना तेरे सामने। अब ज्यादा तैरता हूँ अपने आप में, कभी गौर भी फरमाया है क्या आपने, हाँ वो भी था एक वक्त जब था साथ में मैं आपके, अब किसी से नहीं खुद से नाराज में। ओ भाई मतलब सुन के ऐसे जानी वाली वाइब नहीं आ रही है काफी ज्यादा, ठीक है, पाकिस्तान वाला रैपर मतलब वो वाला जानी नहीं जो भी पराग के साथ काम करता है, ठीक है, मतलब मेलो भाई मेलो लेट्स गो। एक वक्त जब था साथ में मैं और भी फरमाया है क्या आपने, हाँ वो भी था एक वक्त जब था साथ में मैं आपके, अब किसी से नहीं खुद से नाराज में, ये किसी को नहीं पता वो राज है, इस बात पे हम खाली बैठे घर में हम उदास हैं, पर तू खुश है बस आया अपना घर उन पहाड़ों पे और बाकी सब है मैं ही नहीं साथ में। खैर कभी मिलते हैं हम बाद में, नहीं नहीं असल में ये सब ख्वाब है, ये तीनों गाने लिखे तेरे लिए ही पैगाम है, कुछ नहीं ज्यादा कहने को बस दिल थोड़ा बेजार है, लेट्स गो। बस हमारे तेरे यादों के पैमाने पे हम आज है और आज है, थोड़े से अशार है, लफ्ज हुए भारी लेकिन फिर भी इंतशार है। Talk about a kind of pain, so can we talk about it? कितनी प्यारी वाइब है गाने की है, कितनी ज्यादा सूथिंग साउंड कर रहा है भाई ये ट्रैक। लेट्स गो भाई, लेट्स फकिंग गो ब्रो। बस फील करो बेबी, आई नो दैट यू हेट इट व्हेन आई कॉल यू टू स्लीप। या मंजर ऐसा क्या ही कर दिया, बंजर है जमीन है जहां पे मैंने घर लिया। भाई आर्टिस्ट की अगर मैं लिखावट पे गौर करें हम, ठीक है, लिखावट पे अगर हम गौर करें तो देखो बेसिकली चीज़ कोई रिएक्टर आपको नोटिस करने नहीं बोलेगा, बट बीइंग अ म्यूजिशियन मतलब म्यूजिशियन नहीं बोलूँगा खुद को, बीइंग अ रैपर भाई लिखावट पे अगर गौर करोगे तो आर्टिस्ट ने ज़्यादातर ऐसे वर्ड नहीं यूज़ किए कि तू ये है तू वो है मैं ये हूँ मैं वो, समझो मतलब जैसे वर्ड्स यूज होते हैं कि तू ही मेरी दिल लगी है तू ही मेरी आज की, ठीक है, मतलब ऐसे जब तू ज़्यादा रिडायरेक्ट नहीं भाई, वर्डिंग्स पे फोकस करना कि कैसे तू मैं तेरा मेरा आने ही नहीं दिया, डायरेक्ट कहीं से अलग कॉन्फ्लिक्ट पे बात हो रही है, नोटिस करना। मंजर ऐसा क्या ही कर दिया, ठीक है, मंजर ऐसा क्या ही कर दिया, मतलब अगर इसको एक नॉर्मल रैपर या फिर एक बिगिनर रैपर लिखेगा या इवन मैं भी लिखूं तो मैं कह रहा तूने मंजर ऐसा क्या कर दिया, मैं तूने तू ऐसे वर्ड यूज करूंगा, लेकिन भाई बोल रहे मंजर ऐसा क्या ही कर दिया, आने ही नहीं दिया भाई तेरा मेरा बीच में, भाई ये होती एक अच्छे लिखारी की पहचान, समझ रहे हो। मंजर ऐसा क्या ही कर दिया, बंजर है जमीन है जहाँ पे मैंने घर लिया, जो करना था मैंने वो सब भी कर दिया, लेकिन तेरे लिए लाखों मेरे शुक्रिया, कसूरवार मैंने दुख दिया जो नहीं करना कर दिया, गुनाहगार ठहरा मेरे गिनती में नहीं गलतियाँ, आखिरी पैगाम मैंने वो भी अभी लिख दिया, आगे चलूं जाते जाते दे दूं मेरा शुक्रिया, अब क्या ही मैंने कर दिया, खाली था कोरा पन्ना में शायरी से भर दिया ख्याल मैंने।
भाई यार ये आर्टिस्ट क्रेजी है ब्रो। लस को खाली था पन्ना, मैंने शायरी से भर दिया ब्रो। कर दिया खाली था कोरा पन्ना में शायरी से भर दिया। आए दिन ख्याल मैंने खुद से ही तो लड़ लिया, खाली ये दिमाग में शैतान को ही कर दिया। अभी अभी तो क्या बात है, दुनिया में चीजें तो मेरे पास है, अब दार भी तो है ना उसमें छत ना दीवार है, सब कुछ रह के भी सब कुछ बेकार है। राइट एंड अनपरफॉर्म बाय लिल विजल, लेट्स गो भाई, क्रेजी ट्रैक। Talk about what we could have been. So can we talk about what is killing me? I'm trying to show you what it is like to be. Baby, I know. Oh, इसकी mixing mastering भाई खुद इन भाई ने ही की है। Let's go भाई। भाई मेरे गानों की भी कर दोगे क्या? क्योंकि बढ़िया mix master कर रखा भाई। Let's go. भाई क्रेजी ट्रैक, ट्रैक होता अपना खत्म। बहुत प्यारा गाना, मतलब जितने वर्ड्स में ज्यादा यूज करूंगा ना वो भी उतने ज्यादा कम ही पड़ने वाले, क्योंकि सच में एक अलग, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा गाना बहुत ज्यादा चटकी बना दिया या फिर भाई ऐसा गाना मैंने आज तक नहीं सुना जिंदगी में, सुने हैं लेकिन द पॉइंट इज कि आर्टिस्ट भाई अभी अंडरग्राउंड अंडररेटेड आर्टिस्ट है, और ये अगर ऐसा गाना प्रोड्यूस कर रहा तो भाई बहुत जल्दी आर्टिस्ट फटने वाला है। एंड भाई प्लीज डिस्क्रिप्शन में इस गाने का ऑफिशियल लिंक है भाई, तुम्हें जाके चेकआउट करना ही पड़ेगा इस आर्टिस्ट को, वरना तो तुम भाई चूतिया हो, मतलब समझ लो अब, क्योंकि यार है प्रोडक्टिविटी है आर्टिस्ट के पास, समझ लो एक अच्छा गाना बनाया है, और अगर एक अच्छा गाना है तो हमारा फर्ज बनता है उस गाने को सुनना और उस आर्टिस्ट को सपोर्ट करना कि अगर वो एक अच्छा आर्टिस्ट है, क्योंकि भाई हम आजकल पता नहीं बावासीरी वायरल कर रहे हैं, अच्छे गानों पर हमारा फोकस ही नहीं है या फिर अच्छी चीज़ अच्छा कंटेंट अच्छे आर्ट फॉर्म के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, तो मैंटेलिटी थोड़ी सी चेंज करते हैं और जाके इस गाने को सुनो प्लीज़। बाकी मेरे को पर्सनली ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड भाई सीपी के तीन गाने जैसे कि अभी हमने इसकी वीडियो में भी देखा और सबके काफ़ी ज़्यादा यूनिक नाम है, तो अगर आपको इस ईपी के और भी रिएक्शन चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैं तो करने वाला हूँ, अगर मैंने ये गाना सुन लिया मैं और भी इसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। एंड भाई सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो भाई, तुम्हारे लिए मैं, तुम बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को देखो, कोई अंडररेटेड आर्टिस्ट को इतना ज़्यादा नहीं ला रहा है। एंड भाई मैं आपके आगे ला रहा हूँ तो आपको सपोर्ट दिखाना बनता है, ठीक है? और जाओ सुनो, और बाकी यस इस वीडियो करते हैं पे, एंड आज के लिए बस इतना, टेक केयर, लव यू ऑल।